हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू, पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत सीएजी, अर्थात भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति के लिए अपना पैसा खर्च करने के लिए सौंपते हैं, तो खर्च करने के पश्चात हम उससे हिसाब लेते हैं कि उसने कितना पैसा कहाँ पर खर्च किया, कैसे किया। ठीक उसी प्रकार से भारत सरकार और भारत में राज्यों की सरकारें भी शासकीय कार्यों को संपादित करने के लिए संचित निधि से धन खर्च करती हैं, और वह धन, वह पैसा भारत की जनता के द्वारा उस संचित निधि में जमा किया जाता है। वह पैसा कर के माध्यम से या अन्य प्रकार से भी, अर्थात गैर कर राजस्व के माध्यम से भी संचित निधि में आता है। कुल मिलाकर के हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संचित निधि के माध्यम से जो सरकार के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है, वह जनता का पैसा होता है। और जनता के पैसे के लिए जब सरकार खर्च करती है, तो उसका हिसाब किताब मांगा जाता है जनता के द्वारा। और उस हिसाब किताब को मांगने के लिए सीएजी के रूप में भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया है। उसी संस्था के संदर्भ में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो 1857 में तीन प्रेसिडेंसियों, अर्थात कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन तीन प्रेसिडेंसियों के लेखाओं का परीक्षण करने के लिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया। इसके पश्चात भारत शासन अधिनियम 1935 में इस महालेखा परीक्षक को संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष सुरक्षा प्रदान की गई। यहाँ पर कहा गया कि महालेखा परीक्षक को जब तक स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएगी, सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, तब तक निष्पक्ष रूप से जांच होना संभव नहीं है। इस दौरान महालेखा परीक्षक गवर्नर जनरल के अधीन ना होकर के भारत मंत्री के अधीन होता था। इसके पश्चात जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तो स्वतंत्रता पश्चात जब हमारे देश का संविधान बनाया जा रहा था, उस दौरान टीटी कृष्णमाचारी के द्वारा इस महालेखा परीक्षक को संविधान में शामिल करते समय इसमें सी, अर्थात कंट्रोलर शब्द को जोड़ने का सुझाव दिया गया, जिसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। और इस प्रकार से ऑडिटर जनरल के स्थान पर कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से इसको शामिल किया गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस प्रकार से भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक शामिल किया गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है
कि सीएजी को उतनी ही स्वतंत्रता होनी चाहिए जितनी की न्यायपालिका, और इसी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान भी संविधान के अंतर्गत किए गए हैं, जिनका अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 के अंतर्गत सीएजी के नियुक्ति के संबंध में देखेंगे कि किस तरीके से सीएजी की नियुक्ति यहां पर की जाती है। तो सीएजी की नियुक्ति यहां पर आर्टिकल 148 के अंतर्गत की जाती है। यहां पर सीएजी के नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को प्राधिकृत किया गया है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के स्वहस्ताक्षरित स्वमुद्रित अधिपत्र के माध्यम से की जाती है। राष्ट्रपति यहां पर सीएजी को नियुक्त करता है और साथ ही साथ अनुसूची 3 के अनुसार सीएजी के लिए शपथ दिलाता है। सीएजी की नियुक्ति के पश्चात दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है ना, वो है इसके कार्यकाल का ना। तो सीएजी का कार्यकाल कितना होता है? तो सीएजी का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी अधिक हो। अर्थात यदि कोई व्यक्ति 40 साल की एज में सीएजी बन जाता है तो 6 वर्ष पहले आ जाएंगे, तो 6 वर्ष में उसे सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए 62 वर्ष की आयु में सीएजी बनता है तो ऐसी स्थिति में वह 3 वर्ष ही सीएजी के पद पर रह पाएगा, है ना। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले आए। हालांकि इस कार्यकाल के पूर्व ही यदि सीएजी चाहे तो वह स्वयं राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। यदि सीएजी को लगता है कि उसे अपने पद से हटना है, उसे अपने पद से त्याग पत्र देना है, तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने अधिपत्र के माध्यम से, त्याग पत्र के माध्यम से पद का त्याग कर सकता है। इसके अलावा सीएजी को हटाया भी जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा इसके संबंध में कहा गया है कि सीएजी के लिए वैसे ही हटाया जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया हम लोग ने देखा था आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 के अंतर्गत, है ना। तो यहां पर सीएजी को आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 के अंतर्गत हटाया जा सकता है ना, जिसमें आधार भी बताए गए हैं, साबित कदाचार या असमर्थता। इन दो आधार पर ही सीएजी को हटाया जा सकेगा, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार। कैसे हटाया जाएगा? तो सबसे पहले उसके लिए नोटिस दिया जाएगा। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर जो भी हटा रहे हैं उसका नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के पश्चात संसद के किसी भी सदन में उसको हटाने का प्रस्ताव जो है तो किया जा सकता है। दोनों सदनों में यदि स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से यदि इस प्रस्ताव को, हटाने के प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, तो उस प्रस्ताव के आधार पर
सीएजी को हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 के अंतर्गत उसको हटाया जा सकता है। इसके बाद अगला आता है वेतन। सीएजी को कितना वेतन दिया जाएगा, तो इसके संदर्भ में कहा गया है कि सीएजी को वही वेतन भत्ता दिया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया जाता है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए यहाँ पर 250,000 रुपये निर्धारित किया गया है, वही राशि यहाँ पर सीएजी के लिए दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सीएजी अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का खर्चा, उसके पूरे स्टाफ का खर्चा और स्वयं सीएजी का खर्चा, उसके वेतन भत्ते पेंशन सारे खर्चे जो है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। आज यदि हम देखें तो सीएजी के अधीन, इस संस्था के अधीन लगभग 57,000 से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। तो इन सबके वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। इस प्रकार से जो है तो वेतन भत्ते और उसके खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। यहीं पर हम ध्यान रखें कि जो वेतन भत्ता सीएजी को दिया जाता है, तो कहीं सरकार ऐसा कोई दबाव उसके ऊपर ना बना सके कि हम आपका वेतन भत्ता कम कर देंगे, इसलिए हमारे अनुसार जो आप ऑडिट करिए, हमारे अनुसार जो है तो आप यहाँ पर अंकेक्षण करिए, ऐसा कोई दबाव ना बनाया जाए। इसी के लिए यहाँ पर उसको एक प्रावधान किया गया है उसके वेतन, उसकी निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के द्वारा सीएजी की कार्यावधि के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन उसके वेतन भत्तों आदि में नहीं किया जाएगा। अर्थात आप बढ़ा तो सकते हैं उसके वेतन भत्ते को, लेकिन कम नहीं कर सकते। अब इसके बाद कई बार पद के बाद का जो है तो लालच दिया जाता है कि जब आप सीएजी नहीं रहोगे तो आपको किसी अच्छे मलाईदार पद पर बिठा देंगे। तो इससे भी सीएजी की रिपोर्ट प्रभावित हो सकती है। इसलिए यहां पर भी कहा गया है कि यदि सीएजी अपने कार्यकाल के पश्चात सेवानिवृत्त जब होता है तो वह ना तो भारत सरकार के अधीन और ना ही किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद को स्वीकार नहीं कर सकता, किसी लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता। तो ये उसकी निष्पक्षता के लिए यहाँ पर यह तो अनिवार्य किया गया। यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर पहले व्यक्ति वी नरहरी राव है ना, यहाँ पर जो है भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरी राव जो कि 1948 से लेकर के 1954 तक रहे। वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में राजीव महर्षि जो कि आईएएस कैडर से हैं, तो राजीव महर्षि जो है 25 सितंबर 2017 से 13वें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार संभाले हुए हैं और वर्तमान में इन्हीं के नेतृत्व में भारत सरकार एवं समस्त राज्य सरकार, सभी निकाय
और सभी शासकीय कंपनियों आदि का ऑडिट किया जा रहा है। इसके और क्रियाकलाप पर हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ पर इसी प्रकार के आपको और वीडियो प्राप्त होते रहें, इसके लिए आप यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि आप तक नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।